नमस्ते दोस्तों, आज हम घुइयां की सब्जी बनाएंगे। इसको अरबी भी कहा जाता है, कहीं कहीं हमारे यहाँ इसको घुइयां कहा जाता है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको पूड़ी पराठा के साथ खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगती है उसके साथ। सबसे पहले हमने घुइयां को धो लिया है, अच्छे से मिट्टी को साफ़ कर देना, 3-4 पानी से धो लेना है। अब कुकर में डाल के इसको चढ़ा देना है। 2-3 सीटी में अच्छे से घुइयां पक जाती है। और घुइयां लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा गोल घुइयां लेना है, लंबी घुइयां नहीं पकती है, वो अच्छी नहीं लगती। इस तरह से गोल गोल घुइयां लेना है। देखिए घुइयां भी अच्छे से पक चुकी है। अब इसको एक डलिया में निकाल लेना है। अब इसको छील लेना है। देखिए इस तरह से गोल घुइयां लेना है। अगर लंबी लेंगे पतली लेंगे घुइयां तो पकती नहीं है, और पकने में ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर टेस्टी सब्ज़ी नहीं बनती है। इसलिए इस तरह की घुइयां लेंगे तो बहुत जल्दी पक जाती है। जो बड़ी घुइयां उसको काट लिया है और छोटी को नहीं काटा है। अब एक लोहे की कढ़ाई ले लेना, उसमें सरसों का तेल डाल देना है। अब थोड़ी सी मेथी डाल देना है, मेथी से बहुत टेस्टी घुइयां बनती है। अब थोड़ी सी अजवाइन डाल देना है। मेथी अजवाइन बहुत ज़रूरी होता है घुइयां में, क्योंकि घुइयां बादी करती है, इसलिए मेथी और अजवाइन बहुत फायदा करती है घुइयां में। अब थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ और हरी मिर्ची डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल देना है। अब सूखे मसाले डाल देना है। सूखे मसाले में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च और नमक डाल देना है, और गैस का फ्लेम इस समय धीमे कर देना है। अब घुइयां को डाल के अच्छे से चला देना है सब्जी को। ऐसा करने से घुइयां एकदम अलग अलग बनती है, चिपकती नहीं है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको ढक देना है 2 मिनट के लिए, जिससे मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे और मसाले घुइयां के अंदर चले जाएंगे। अब फिर खोल के चला देना है। अब इसको ढकना नहीं है, अब ऐसे ही खोल के पकाना है, जिससे क्रिस्पी हो जाएंगी और मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। अब थोड़ा सा और मसाला डाल देते हैं, जैसे कसूरी मेथी और थोड़ा सा आमचूर डाल देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है घुइयां में। ये चटपटी घुइयां खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। अब इसी तरह खोल के 2 मिनट पका लेना है, और गैस का फ्लेम बहुत हाई नहीं करना, मीडियम पे ऐसे ही खर कर लेना है इसको। देखिए कितना अच्छा से कलर आ चुका है घुइयां में। ये सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनती है। देखिए कितने अच्छे से घुइयां भुनी जा रही हैं, और घुइयां अलग अलग हो गई हैं। एक एक घुइयां में मसाला अच्छे से चिपक गया है और सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। इसको रोटी पराठा और पूड़ी के साथ खाइए। पूड़ी के साथ तो बहुत टेस्टी लगती घुइयां। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनी है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक